हरियाणा में कहने को तो राम राज्य है, लेकिन धरातल पर बदमाशों का राज है। रोहतक में बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। यहां नकाबपोश चार बदमाशों ने बीती रात एक फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बना लिया और उसके हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया। बदमाशों ने फैक्ट्री में घुसकर लाखों रुपए का सामान लूट लिया और ये पूरी वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना रोहतक के घरावटी रोड पर स्थित यथार्थ फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी में हुई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एक यथार्थ फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसमें स्टड वगैरह का फिनिशिंग का काम होता है। वहाँ पे गार्ड रात में ड्यूटी पे सोया हुआ था, तो रात में तीन चार बंदे आके वहाँ पे मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। वो फैक्ट्री में दीवार को फांद के अंदर घुस गए, वो गार्ड को बांध के और उसको पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद में जो सामान फैक्ट्री में रखा हुआ था उसमें उन्होंने 32 जिंक की प्लेट होती है, वो बैटरी का एक इन्वर्टर, बैटरी और कुछ और सामान था, वो चोरी करा है वहाँ से फैक्ट्री से। उसके बाद वो गार्ड को वहीं छोड़ के, और रात में ये घटना है करीबन 3 बजे की, उसको वहीं बांध के चले गए, भाग गए। सुबह जब स्टाफ के दूसरे बंदे आए थे तो उन्होंने देखा कि गार्ड नहीं है गेट के ऊपर, तो उन्होंने तलाश करा, उसको ढूंढा, फिर उसको पीछे जाके वो मिला। उसके बाद में फिर हमारे को सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे एक दुर्घटना हो गई है फैक्ट्री में, बहुत बड़ा एक डकैती डली है। तो सूचना मिलते ही हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे। वहाँ पर हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया, और उसके बाद में फिर हमने वहाँ के कैमरे जो उन्होंने ऑलरेडी उसके तार काट रखे थे वो चेक किए, तो उसमें पता चला कि 4 बंदे थे टोटल। बाहर किस व्हीकल में आए थे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो आरोपी थे उनके बारे में भी हमने नियर अबाउट जितने भी थाने थे उनमें CIA स्टाफ की मदद ली जा रही है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको जल्दी ट्रेस आउट करेंगे। कब तक गिरफ्तार हो सकते हैं? बहुत जल्द कोशिश हमारी, हम उसको पूरा डिटेल से उनका पता निकाल के, और उनको हम डंप वगैरह उठवा रखे हैं, और हम आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनका खुलासा करेंगे। बदमाशों ने फैक्ट्री के गार्ड को उसी के गमछे से हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंका था। सुबह किसी तरह से घसीटते हुए गार्ड सड़क तक पहुंचा तो सैर कर रहे लोगों ने गार्ड के हाथ पैर खोले, जिसके बाद गार्ड ने फैक्ट्री मालिक और पुलिस को लूट की सूचना दी। बता दें कि रोहतक में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं पुलिस बदमाशों के आगे बौनी नजर आ रही है। लिहाजा आए दिन लूट, डकैती और हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर आम लोगों में डर और भय का माहौल बनता जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।